ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, आज बड़े आनंद का और हर्ष उल्लास का दिन है हम सबके लिए, क्योंकि आज जो साधक है वो अपने गुरु के प्रति एक विशेष दिन, जिसको हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, तो यह जो विशेष दिन हम सभी साधक के लिए होता है, तो इस दिन हम हमारे गुरु के प्रति, जैसे यहाँ कोई साधक होंगे कि जिनके गुरु सशरीर अभी नहीं होंगे, जिनकी महासमाधि हो गई होंगी, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है कि भगवान व्यास जी को, जो सबसे पहले गुरु जिनको हम मानते हैं, तो उनको स्मरण करके, जैसे जिस संप्रदाय से हम आते हैं, उस संप्रदाय के इष्ट में उसी गुरु गुरु को विलीन करते हुए उसी के प्रति हम सब कुछ लाते हैं। जैसे आप सभी भक्तों ने, किसी ने फल लाया है, किसी ने मिठाई लाया है, कुछ ना कुछ लेके आए हैं, तो ऐसे ही अब हमारे गुरु तो नहीं है जो जिन्होंने दीक्षा दिया है, किसी के चेन्नई में होंगे, किसी के बेलूर मठ में होंगे, किसी के महासमाधि हुई होंगी, लेकिन हम श्री राम कृष्ण में उन सबको देखते हैं। इसीलिए श्री राम कृष्ण आज गुरु को हमारा ऐसे होता है, सौभाग्य नहीं होता है, कोई कोई लोग 10-10 वर्ष तक, साल तक गुरु को नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन हम उन्हें हमारा, जैसे हमारा संभव होता है उस तरह से हम गुरु को निवेदन करते हैं, जो हमारा यथा संभव हो उस प्रकार से हम गुरु को निवेदन करते हैं। तो यहाँ हम श्री राम कृष्ण को ही हमारे गुरु के रूप में देखते हैं। तो आज महाराज जी की अनुपस्थिति में मेरे ऊपर यहाँ भार आया है कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय पे मैं आपके समक्ष कुछ बोलूं, आपके साथ कुछ चर्चा करूं, तो इसलिए आपके साथ इस विषय में चर्चा करूं, क्योंकि बहुत अद्भुत, हमारे सबके एकदम करीब का यहाँ विषय है, चिंतन है, अनेक प्रश्न हमें इस बारे में होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न तो अनेक लोगों को होता है कि क्या जो गुरु रहते हैं उन्होंने जो मंत्र दिया है, क्या उस मंत्र से क्या हमें मुक्ति मिलेगी? तो कहते हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको सचमुच मुक्ति पाना चाहते हो, तो गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है उस मंत्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए। कैसे विश्वास होना चाहिए? श्री राम कृष्ण बोलते हैं कि जिस तरह से एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गए जंगल में, और जंगल में जाते जाते पक्षी जो थे आकाश से भ्रमण कर रहे थे, और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते, देखो अर्जुन कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बगुले जा रहे हैं। अर्जुन कहते, हाँ भगवान कितने सुंदर बगुले जा रहे हैं। तुरंत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे वो बगुले तो बगुले नहीं है, वो तो अन्य पक्षी है। हाँ कृष्ण अन्य पक्षी है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, वो कुछ नहीं, जैसा गुरु ने कहा, जैसा कृष्ण कह रहे थे वैसा ही उसको दिख रहा था। इतना विश्वास, जो गुरु ने कहा उसके वाक्य के ऊपर विश्वास। एक बड़ा सुंदर दोहा आता है कि कबीर जी का दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है कबीर जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
कि अगर आपके सामने, कबीर जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद, माने जो हमारे गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, जिन्होंने हमें मंत्र दीक्षा दी है, वे और इष्ट गोविंद, अपना अपना जो इष्ट है, अपन यहां बोलेंगे भगवान श्री राम कृष्ण, वो दोनों भी अगर आपके सामने आए तो आप सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे? किसी दोनों को तो एक साथ नहीं कर सकते, किसी एक को करना है। तो यहाँ बड़ा संशय हमारे मन में रहता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ बड़ा सुंदर दिया है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो पहले प्रणाम करूंगा गुरु को, ईश्वर को बाद में करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु के वजह से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। अगर मेरे जीवन में गुरु नहीं होते तो मुझे ईश्वर लाभ नहीं होता, मुझे यह शाश्वत शांति का, शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होती अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं आते। तो गुरु ने मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया, इसलिए मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों आएंगे तो मैं पहले मेरे गुरु को वंदन करूंगा, उसके बाद ईश्वर को वंदन करूंगा। तो यहाँ कबीरदास जी ने एकदम हमारा जो मन में संशय रहता है उसे पूरा साफ कर दिया। और इसलिए श्री राम कृष्ण बोलते, हम बहुत सारे भक्त कभी कभी मिलते हैं, बोलते हैं महाराज मुझे तो 20 साल हो गए मैंने दीक्षा ली है, लेकिन जैसे थे वैसे ही है, कहीं कुछ ऐसे बदलाव सा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। उसका कारण है, उसका एक मेव कारण ऐसे है, श्री राम कृष्ण जो बोलते हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, वहां दृढ़ विश्वास नहीं है। अगर दृढ़ विश्वास रहा और उस विश्वास से अगर नाम लिया तो मनुष्य भवसागर पार हो जाता है, लेकिन उतना विश्वास चाहिए। तो कैसे विश्वास चाहिए? देखिए मंत्र किससे लिया है वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। कभी कभी हम हमारे बीच में बहुत चर्चा करते हैं, मेरा गुरु श्रेष्ठ, मेरा गुरु श्रेष्ठ, तेरा गुरु कनिष्ठ, उस संप्रदाय का गुरु कनिष्ठ, हमारे संप्रदाय का जिससे मैंने दीक्षा लिया हुआ सबसे श्रेष्ठ। तो ऐसे नहीं होता। मां शारदा देवी ने यह संशय सब हमेशा के लिए मिटा दिया। एक बार की घटना है, मां शारदा देवी जयराम वाटी में थी और उस समय श्री राम कृष्ण की महासमाधि हो गई थी, और एक भक्त ने सोचा कि मां शारदा देवी तो है जो साक्षात जगत जननी, और उसके पास से मैं मंत्र दीक्षा लू, इसलिए वो सोच के माता जी के पास जयराम वाटी चला गया। जब जयराम वाटी पहुंचा तो मां तो अंतर्यामी, मां ने सोच लिया इसके अंदर का भाव क्या है, ये तो बेलूर मठ से आया मेरे पास दीक्षा लेने के लिए, तो क्यों यह सोच के कि माता जी से मैं दीक्षा लूंगा, माता जी श्रेष्ठ गुरु है, माता जी पावरफुल है, पावरफुल गुरु है, उससे मैं दीक्षा लूंगा तो मुझे तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, यह सोच के वो आया था। माता जी ने उसको कहा तू मेरे पास क्यों आया, जब राजा बेलूर मठ में है, राजा माने स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी का ये पहला ही फोटो है, स्वामी ब्रह्मानंद जी जो रामकृष्ण मठ मिशन के सर्वप्रथम महाध्यक्ष, स्वामी ब्रह्मानंद जी राजा, स्वामी जी उनको राजा कहते थे, क्यों? क्योंकि पूरा राज्य चलाने की ताकत थी उनमें। तो इसलिए माता जी ने कहा कि जब राजा वहां दीक्षा देता है तू मेरे पास क्यों आया ब्रह्मानंद जी महाराज, नहीं तू फिर से बेलूर मठ जा, बेलूर मठ जाके राजा से ही दीक्षा तुझे लेना है। तो मां ने यह हमें साफ दिखा दिया कि मंत्र लेने से कुछ नहीं होता है, मैं दूंगी तो तुरंत मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम बोलते कि मैं भगवान की कृपा होना चाहिए, कृपा का मतलब क्या है? करके पाओ, करके पाओ, आपको करना है फिर पाना है, बिना करे कुछ पाया नहीं जाता, कुछ पाया नहीं जाता। रामायण में बहुत सुंदर एक घटना आती है, जब सेतु बंधन चल रहा था, तो उस समय जब सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया तब जामवन जी गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास और कहा कि सेतु बंधन का कार्य पूरा हुआ है, अब हम लंका की तरफ कुछ कर सकते हैं। तो देखा
जब भगवान श्री रामचंद्र उस पुल पे जब खड़े हुए तो देखा वो सुंदर स्वरूप, वह सुंदर राम प्रभु का वह सुंदर रूप देखने के लिए सारे समुद्र के जलचर जितने भी है सारे उनको देखने के लिए आ गए। सारा समुद्र में सिर्फ जलचर ही जलचर, पानी दिखाई नहीं दे रहा था, सारे जलचर एक साथ उनको देखने के लिए आए। मानो 75% हम बोलते वाटर है, माने समुद्र का पानी है पृथ्वी के ऊपर, मानो सारे जगह के एक इकट्ठा हो गए थे वहां पे जलचर, पानी दिख ही नहीं रहा था और सब देख रहे प्रभु श्री रामचंद्र का वहां रूप देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। अच्छा, अब प्रभु श्री रामचंद्र सब वो बानरों को कहते हैं कि चलो अब आप, ये तो जो आपने जो पुल बनाया है वहां तो बड़ा संकरा है, इट इज वेरी नैरो, बहुत छोटा संकरा है वहां, अगर इस संकरे पुल से हम जाएंगे तो बहुत दिन लगेंगे लंका पहुंचने के लिए। देखो सब जलचर अभी ऊपर आए हैं, इनके पीठ के ऊपर चल के जाओ, आपको कोई समस्या नहीं। तब कोई वानर बोले, अरे हमारे तो दुश्मन है वो, कोई मगरमच्छ है, कोई बड़े बड़े मछली है, कोई अन्य प्रकार के जो जलचर है, वे तो हम तो उनका भक्षण है, वे तो हमें खा लेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र कहते, नहीं उसकी आप चिंता ना करो, वो मेरे स्वरूप मेरे रूप में इतने मग्न हुए हैं, इतने मग्न हुए हैं कि आप उनके पीठ के ऊपर चल के भी जाएंगे उन्हें शरीर का बोध ही नहीं है, शरीर का बोध ही नहीं है, इतने मेरे रूप में वह मग्न हो गए। और सारे बंदर पुल के ऊपर से, वो सारे जलचर जो है उनके पीठ के ऊपर से कूद के जा रहे, जलचर वैसे के वैसे स्तब्ध उसके प्रभु के रूप में इतने मग्न हो चुके हैं। तब जामवन जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान तो फिर आपने ये पुल क्यों बनवाया हमसे, इतने कष्ट क्यों दिए आपने, इतने पत्थर ला उसके ऊपर रखो, इतना लंबा इतने बड़े किलोमीटर का पुल क्यों बनवाया जब आप एक कर सकते थे। अब जो जवाब प्रभु श्री रामचंद्र ने दिया वो हमारे लिए सबके लिए बड़ा काम का है। प्रभु श्री रामचंद्र ने दिए जामवन जी को कहा, जामवन मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं अभी जहां खड़ा हूं वो आप लोगों ने जो पुल बनवाया ना उसी के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो मेरे खड़ा होने के लिए तो आपको कर्म करना ही है, उतना आपको तो उतना पुरुषार्थ करना ही है, तब ये कृपा होगी इतनी बड़ी। सब जलचर का जो है ना पूरा तैयार हो गया, ये पुल इतना बड़ा समुन्द्र पूरा, तो यह जो कृपा है उसके लिए पहले आपको साधना करना पड़ेगी। मैं तो तैयार हूं देने के लिए, मुझे सिर्फ दिखना चाहिए कि आपने सचमुच सच्चे दिल से साधना की है, तो मुझे खड़ा रहने के लिए जैसे जगह चाहिए ऐसे ही आपको कृपा अगर चाहिए तो पहले आपको साधना का पुल बांधना पड़ेगा। अगर साधना का पुल आप बांधोगे तो निश्चित रूप से आपको यहां साक्षात्कार होगा। तो श्री राम कृष्ण देव बोलते विश्वास चाहिए, विश्वास। इसलिए मैंने कहा कि बहुत से भक्त बोलते कि हमारा तो क्या कब होगा पता नहीं, नहीं ऐसे नहीं। श्री राम कृष्ण बोलते हैं कि जैसे किस प्रकार की हमारी हमारा विश्वास होना चाहिए कि जैसे विभीषण एक बार जब लंका के जब नेता बन गए, राजा बन गए लंका के रावण वध के बाद, सारा राज्य तो राम जी ने विभीषण को दे दिया, तो एक व्यक्ति समुन्द्र में बह के आया और वो पड़ा हुआ था किनारे, और उसको थोड़ा होश में आने के बाद उसने पूछा विभीषण ने, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं जा रहा था, हमारी नौका पलट गई, अभी हमको तो जाना है। अच्छा जाना है तो कहाँ जाना है? बोले उधर उस गांव जाना है मेरा, मुझे पार करके जाना है। तो विभीषण ने क्या किया, एक पन्ने पत्ते पे प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लिख दिया और उसके ऐसे ही कापड़ में बांध दिया। बोले इसे खोलना नहीं, तू बिना नौका के इस पानी के ऊपर से चल के तू तेरे गांव चला जाएगा। अब इसको बड़ा आश्चर्य लगा, थोड़े दूर तो गया चल के, तब उसको लगा अरे यार वो जो बांध के दिया वो उसमें क्या ऐसा है कि जिससे मैं जा रहा हूं चल के पानी के ऊपर। तो उसने खोल के देखा, अरे क्या
तीन अक्षर तो लिखे हैं श्री राम, और उसने पन्ने को फेंक दिया। जैसे फेंक दिया वैसे डूब गया, वैसे पन्ने को फेंक दिया उसने, वैसे वह व्यक्ति समुन्द्र में डूब गया। तो क्या विश्वास, थोड़ा भी अविश्वास नहीं होना चाहिए हमारे गुरु के मंत्र में, गुरु के शक्ति के ऊपर, और उसी मंत्र से मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। कैसा विश्वास? और एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण देता हूं, मैंने सुना था एक बार, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वहां दृष्टांत, बहुत अच्छा। एक साधारण व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था। उसने सोचा एक गांव में बहुत अमीर लोग रहते हैं और उनके गुरु आने वाले हैं, वह गांव पूरे राजकुमार और राजा इसी लेवल के लोग वहां रहते हैं और उनके गुरु वहां आने वाले हैं। तो यह बेचारा निर्धन व्यक्ति, इसने बहुत गुरु के बारे में सोच के रखा था, तो सोचा कि चलो गुरु के पास हम जाएंगे। अच्छा, इनके साथ जो आए ना उनको थोड़ा बिठा के रखो, बच्चों को नहीं तो बाहर खेलने दो, उनको बाहर खेलने से प्रॉब्लम नहीं, बाहर खेलने से बच्चे है, हम उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, बाहर खेलने से चलेगा। अच्छा, तो वो निर्धन व्यक्ति ने सुना कि उस गुरु के मुलाकात के लिए जाना चाहिए, और उसे पता था कि गुरु के पास जब जाते हैं तब साथ में कुछ तो भी लेके जाना चाहिए। अब उसको पता था कि वहां वो तो बड़ा सधन राज्य है, मेरे जैसे को कहां वहां एंट्री मिलेगी, लेकिन फिर भी चलो। तो उसने साथ में दो समोसे और दो जिलेबी लेके गया गुरु के लिए। अच्छा, वहां तो जब गया गुरु के पास, जब गया गुरु ने बोला, वो देखिए अरे इसको हटाओ 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 इसको, ये कौन आया है करके। तो सब लोग तुरंत आए, तो वो उसने कहा नहीं 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 मुझे सिर्फ एक ही मिनट चाहिए। तो वो गुरु बोले अच्छा बोलो क्या काम है। बोले देखो आप तो, आपके तो जो शिष्य है सब अमीर है, सब सधन है, मैं तो गरीब हूँ, मुझे आप कुछ मंत्र दे दीजिए, मैंने आपके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में दो समोसे और दो जिलेबी लाया है, तो मुझे कुछ मंत्र दे दीजिए। अब गुरु बोले क्या ये निर्धन, इसको क्या समझ में आएगा गुरु और मंत्र। बोले जा तेरा मंत्र दो जिलेबी दो समोसे, ये तेरा मंत्र, बस जा इसको ही जप। अब वो तो भी उससे लगा सचमुच ये मंत्र ही है, वो आया घर जपने लगा दो जिलेबी दो समोसे, रोज उसका सुबह शाम जप करता था, और बड़े विश्वास से कि गुरु ने मंत्र दिया इसका मतलब वह गुरु की शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो गई है और इसी से मेरा कल्याण होने वाला है और इसी से मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त होने वाली है। इस सोच से वह मंत्र जपने लगा, क्या दो जिलेबी दो समोसे, दो जिलेबी दो समोसे जप करते रहे। कुछ सालों बाद उसे खबर पड़ी कि फिर से उस गांव में वो गुरु आए हैं, तो देखा अरे गुरु के फिर से दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो देखा बाढ़ आई हुई नदी में, अब वो सोचा अब कैसे जाऊं, गुरु के तो दर्शन होना चाहिए, काफी साल हो गए। तो इसलिए वो बता रहे मैंने तो सुना था किसी प्रवचन में कि भगवान नाम से मनुष्य भव सागर पार हो जाता, ये तो नदी है इसमें बाढ़ आई हुई है और तो कुछ नहीं, जब मनुष्य समुन्द्र लांग के जा सकता है गुरु के ईश्वर के नाम से, इतनी शक्ति है, ये तो बाढ़ आई हुई नदी है, तो इसमें से मैं गुरु के जो नाम लिया है उसके बल पे मैं आराम से जा सकता हूँ। उसने क्या किया, जो ब्लैंकेट है ना घर में, वो ब्लैंकेट ली, वो पानी पे रखी नदी के, और उसके ऊपर बैठ गया। अच्छा, उसके ऊपर बैठ गया और वही अपना जब दो जिलेबी दो समोसे, दो जिलेबी दो समोसे, और बस वो तो नाव के जैसे चलते गया दूसरे गांव। जब पहुंचा गुरु के पास तो गुरु बोले अरे इतनी बारिश चल रही, बाढ़ आई है, तू आया कैसे, क्या? बोले वही आपने जो मंत्र दिया था दो जिलेबी दो समोसे उसके बलबूते पे आया। गुरु बोला ये क्या है, बराबर है। तो बोले चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी चलिए मेरे गांव, मेरे गांव को आपके शरण लगने दीजिए। बोले अरे थोड़ी बारिश तो रुकने दें, कल जाएंगे हम। तो शिष्य बोले अच्छा ठीक है कल जाएंगे। दूसरे दिन बारिश कम हो जाती है, बाढ़ भी कम हो जाती है, शिष्य गुरु बोलते सब तो नौका वगैरह सब अब गुरु के लिए वहां व्यवस्था हो गई है सब। ये बोलते नहीं मैं मेरे नौका में आप चलेंगे। तो बोले तेरी नौका कहाँ है? तो बोले ये जो ब्लैंकेट है मेरे पास यही मेरी नौका है। बिछाया उसने, खुद बैठा, गुरु को बोले आओ बैठो। गुरु बोले ये भी डूबेगा मेरे को भी डूबाएगा। वह बोले मैंने बैठा तुम जाओ मैं नौका से। नहीं 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 अरे आपने जो मंत्र दिया उसी के ही प्रभाव से मैंने ये सब प्राप्त किया है। तो गुरु बैठे डर डर के बैठे, तो देखा वो पानी से दोनों
उस शिष्य के गांव चले गए। जब वहां पहुंचते हैं शिष्य के गांव में, तो उसे गुरु पूछते हैं, ए सचमुच ये तूने कैसे क्या प्राप्त किया ये सब? बोले कुछ नहीं, आपने तो मुझे एक दिन मंत्र दिया था कि दो जिलेबी दो समोसे करके, और उसी का मैं मंत्र जप किया और उसी से सिद्धि प्राप्त होगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय था और मुझे यह प्राप्त हुआ। वो गुरु उसके चरण छूता है शिष्य के। गुरु बोलता है मैं आज तक अपूर्ण था, शिष्य के वजह से आज मुझे पूर्णता प्राप्त हुई। मैं तो लोगों को सिर्फ बोलते रहा, इसने तो उसके उसके जीवन में दिखा दिया कि गुरु के नाम में अगर विश्वास है तो मंत्र कुछ भी हो किसी से भी मिला हो, लेकिन अगर उसमें दृढ़ विश्वास है तो आप भव सागर निश्चित रूप से तर जा सकते हैं। तो यह जो श्री कृष्ण देव कहते हैं ना विश्वास, ये पूर्ण जो 16 आने विश्वास श्री कृष्ण देव बोलते हैं। तो इसीलिए और दूसरा कि और जो गुरु के बारे में कभी कभी हमारे मन में कभी आशंका बहुत बार आशंका रहती है कि क्या जो गुरु रहते हैं उसे क्या हमें जरा उसका परीक्षा लेके गुरु को उसका चयन करना चाहिए? नहीं, परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल हम देखते बाहर में इस नाम पे, गुरु के नाम के ऊपर कहीं कहीं बड़ा जिसको हम मार्केटिंग बोल सकते या बिजनेस बोल सकते, ऐसे कुछ कुछ जगह होते हुए देखा है हमने, बराबर। तो इसलिए जब गुरु का चयन करते समय, एक जन ने बड़ा सुंदर बोला था, बोले स्वामी जी ऐसे हमारी चर्चा चल रही थी मैंने ऑफिस में, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो बोले स्वामी जी लोग बोले देखो कैसे करते हैं। मैं बोला क्या गुरु करते समय? अच्छा उसने वहां से मंत्र लिया क्या? चले उसके पीछे कर लिया गुरु। बोले मुझे बड़ा ताजुब होता है जब हम सब्जी मार्केट में जाते हैं तो 3-4 दुकान देखने के बाद सब्जी खरीदते हैं कहाँ अच्छी मिलती है करके, और जब मेरा पूरे जीवन का मुझे निर्णय करना है तब बस किसी का सुना और मैं चला गया। नहीं, हम सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए पहले हमारे यहाँ गुरु गृहवास था, गुरुकुल में रहने का पहले परंपरा थी। परंपरा वही थी कि पहले गुरु के यहाँ रहना है। गुरु देखता था कि शिष्य में कितनी उसमें प्रगति हुई है, वहां उसका अभी आध्यात्मिक स्तर क्या है, उस हिसाब से उसे वो दीक्षा देता था। यह हमारी गुरु परंपरा। इसीलिए आज हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि रामकृष्ण मिशन में अगर किसको दीक्षा लेना है, मंत्र दीक्षा लेना है, तो हम उसको पहले बोलते हैं कि आप पहले ठाकुर माँ स्वामी जी के किताब पढ़िए। उसका मकसद ये है, बराबर है ना? आप मन से भले पवित्र है तो वहां दो राह नहीं है, लेकिन उस परंपरा में जब दीक्षा लेना है तो पहले हमारा मन उस इष्ट के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो उसके प्रति समर्पित होने के लिए कभी कभी बहुत साधक पूछते हैं जब नए नए आते हैं आश्रम में, तो हम तो बोलते हैं महाराज दीक्षा लेने के लिए, मंत्र लेने के लिए क्या एक किताब पढ़ना अनिवार्य है? हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। क्यों? आप जिसका मंत्र लेने वाले हैं, जिसका नाम आपको मिलने वाला है, उसके प्रति पहले श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ठीक ठीक मन से ठीक ठीक रूप से हम उसका नाम जप कर पाए। तो इसलिए गुरु करते समय यह एक सावधानी बरतनी चाहिए, है ना? कोई कोई कहते हैं क्या उसमें भी क्या अधिकारी होना चाहिए? हाँ जरूर जरूर अधिकारी ही होना चाहिए। अरे आध्यात्मिक गुरु के लिए क्यों? अरे चोरी भी करना है तो गुरु चाहिए। अच्छा हाँ अच्छा गुरु नहीं रहा तो पकड़े जाएंगे चोरी करते समय। चोरी भी करने के लिए अच्छा गुरु चाहिए। कोई भी XYZ गुरु नहीं चलता। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए आप, कोई भी क्षेत्र ले, ड्राइविंग का क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी। आपका डॉक्टरी करना है तो आपके गुरु अच्छे होंगे तो आपको ज्ञान ठीक ठीक से आएगा। क्यों? क्योंकि वह उस रास्ते से गया रहता है, उसे कहाँ कहाँ रास्ते में खड्डे है,
कहाँ ज्यादा सकरा है, कहाँ बड़ा है, कहाँ पुलिया है, ये सब, क्योंकि वो उस रास्ते से जा चुका है, वो गंतव्य स्थान को प्राप्त करके हम लोगों के लिए फिर से वहां वापस आया है, हमें दिखाने के लिए नहीं, आप इस रास्ते से जाइए, बीच बीच में ऐसे ऐसे समस्या आ सकते हैं, घबराए नहीं, घबराए नहीं। तो इस प्रकार से तो अधिकारी होना चाहिए गुरु। एक गांव में, एक राज्य में बोल सकते हैं, एक प्रधान जी था, वो प्रधान जी की बड़ी इच्छा हुई मंत्र दीक्षा लेने की। तो उसने राजा को कहा कि राजा मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए। तो बोले नहीं, 6 महीने की तो छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले मुझे गुरु ग्रह वास करना है 6 महीने, मुझे मंत्र दीक्षा लेना है। तो राजा बोलता, अरे क्या, इतने तो गुरु है, हम तो देख रहे हैं, जाके उसी दिन जाके दीक्षा लेके आते हैं, हो गया काम, क्यों गुरु गुरु जाने की बात कर रहे हैं तुम, 6 महीने छुट्टी की क्या बात है, 2 दिन जाओ फलाना फलाना गांव में, मंत्र दीक्षा हो जाती है, कुछ जरूरत नहीं 6-6 महीने जाने की। नहीं, बोले ऐसा नहीं, वो जो है वो अधिकारी है, वो गुरु अधिकारी है, इसलिए मुझे उनके पास 6 महीने छुट्टी लेके गुरु गुरु वास करना है, वहां का नियम है और मुझे उन्हीं से ही दीक्षा लेना है। तो बोले नहीं, मुझे तू सिद्ध करके दिखा कि अधिकारी की क्यों जरूरत होती है। तो बोले हाँ, अगर सिद्ध करके दिखाएंगे तो हाँ 6 महीने की रजा तुम्हें मंजूर हो जाएगी। तो एक दिन क्या होता है, ये प्रधान जी दरबार भरा है, सब बैठे हुए, मंत्री सब बैठे हुए हैं। ये प्रधान क्या करता है, अचानक राजा के सिंहासन के पास जाके राजा का हाथ पकड़ता है। राजा का हाथ पकड़ने के बाद सबको ऐलान करता है कि ए, इस राजा को कैद कर दो। सब लोग नीचे मुंडी डाल के फिर से ऐलान करता है, मैं प्रधान कह रहा हूं इस राज्य का, राजा को कैद कर दो। सब नीचे, कोई मुंडी नहीं था, कोई मुंडी नहीं था, सब बैठे हुए। फिर राजा बोलता है, मैं इस राज्य का राजा, अब आदेश देता हूं कि इस प्रधान को कैद कर दो। बस तुरंत 2-4 आते हैं, गार्ड्स आते हैं, प्रधान को पकड़ते हैं, घसेट के लेके जाते हैं। प्रधान बोलता, रुको 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 रुको। बोलता, राजा जी आपने मुझे प्रश्न पूछा था, मुझे सिद्ध करके दिखा कि अधिकारी की ही क्यों जरूरत होती है। देखो, मैंने आदेश दिया आपको कैद करने के लिए, कोई आया कैद करने के लिए आपको? एक भी नहीं उठा, सब नीचे मुंडी डाल के बैठे। लेकिन जब आपने आदेश दिया प्रधान को कैद करो, प्रधान को नजरबंद करो, तो देखो तुरंत 3-4 गार्ड दौड़ के आके मुझे जेल में भी डाल दे। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं अधिकारी नहीं था, आप थे, तुरंत गार्ड आ गए। तो ऐसे ही जिस गुरु से मंत्र लेना होता है, अधिकारी अगर होता तभी उसका लाभ होगा, तभी उसका कुछ, तभी उसका जो विशेष जो हमारे अंदर गुरु शक्ति प्रवाहित होना है वह होती है। इसलिए गुरु अधिकारी, तो हमारे शास्त्रों में गुरु का वह तत्व का जो बड़ा सुंदर ऐसा विश्लेषण दिया है। उसके बाद आज हमारी गाड़ी लेट चल रही है, बराबर है कि नहीं, थोड़ी, लेकिन भले लेट चल रही होगी लेकिन गंतव्य स्थान में ठीक पहुंचे, ये गारंटी है। 1 बजे प्रसाद का समय लिखा है इन्विटेशन कार्ड में, 1 बजे ही प्रसाद होगा, भले लेट चलेगी अपनी गाड़ी, बराबर है ना, लेकिन प्रसाद उसी समय होगा। उसके बाद कबीर दास जी एक बड़ा सुंदर उसमें दोहा लिखते हैं, वे लिखते हैं कि गुरु पारस को अंतर जानता है सब संत, वह लोहा कंचन करे ए करी ले महंत। गुरु और पारस के अंतर को ज्ञानी पुरुष बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस प्रकार पारस का स्पर्श लोहे को होकर वह सोना होता है, उसी प्रकार गुरु का नित्य सानिध्य शिष्य को मिलने से वह शिष्य गुरु के ही समान हो जाता है। बड़ा सुंदर दोहा ये, गुरु पारस को अंतरो जानता है सब संत, सब लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। तो जिस प्रकार गुरु का सानिध्य कैसा होता है,
तो फिर हम बोलेंगे गुरु, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि गुरु तो सशरीर हमारे साथ नहीं है, तो फिर गुरु के साथ सानिध्य कैसा करें? तो गुरु के साथ सानिध्य का बड़ा सरल उपाय है कि अधिकाधिक उसका जो गुरु ने हमें उपासना दिया है, मंत्र दिया है, उसके ऊपर हम जप करें, जो सत ग्रंथ है उसका पठन करें। इसी से तो सानिध्य होता है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज कोरोना के समय सत्संग के लिए समय ही नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग हुआ, इतने जगह हम एडमिशन में ऑनलाइन चल रहे थे सत्संग, राजकोट में 2 घंटे रोज भागवत, पुणे के आश्रम के रोज शाम को लेक्चर, कहां दोपहर में लेक्चर। तो जब हम तो कोरोना के पहले इतने सन्यासियों के कभी प्रवचन सुने ही नहीं, यहाँ रोज 3-3 प्रवचन मैं सुन रही थी। एक भक्त महिला से जब मैं बात किया फोन पे, उसने बोला था, मैं बोला अरे कोरोना में तो कहीं बाहर नहीं निकल सकते, बोले महाराज कोरोना इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं बोला कैसे क्या? तो उसने ये बताया मुझे, देखो मैं बोले अभी तो नहीं बंद हो गया राजकोट का, वो लगभग 4-5 महीने चला, 2 घंटा भागवत एक महाराज जी का होता था, तो 2 घंटा भागवत, उसके बाद दोपहर में एक महाराज जी का, शाम को एक महाराज जी का, तो 3 घंटे, बाकी दिन घर के काम, कहां दिन चला जाता। पहले तो भी एकाधे बार ऐसा लगता था अरे थोड़ा सा समय नहीं निकल रहा है, लेकिन आपको पूरे दिन कहां से कहां निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो सत्संग का सानिध्य, सत्संग से क्या होता है, सत्संग से विरक्ति आती है मन में। विरक्ति आती है मने क्या? भाग नहीं जाते हम घरदार छोड़ के, कहीं संन्यास नहीं लेते। विरक्ति आती है मने क्या? हमारे अंदर आंतरिक त्याग बढ़ता है, आंतरिक त्याग बढ़ता है। जहां हम आसक्त होते हैं वहां से धीरे धीरे उस चीज को हम छोड़ते हैं, और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तो हमको तकलीफ मिलने ही वाली है। यह नियम है प्रकृति का, जब तक हमने पकड़ के रखा है तब तक तकलीफ, फिर वो कोई भी हो XYZ, जब तक हमने पकड़ के रखा है तब तक तकलीफ होने वाली अनिवार्य है। यहाँ किसी भगवा कपड़ा और पैंट शर्ट का सब प्रॉब्लम नहीं है, वो ये नियम सबके लिए है, सबके लिए। एक आदमी घसीट के जा रहा था, रस्सी को पकड़ा हुआ था और वो घसीट के जा रहा था, और पूरा खून बदन से बह रहा और चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ, ये मुझे घसीट के लेके जा रहा है। तो एक आदमी ने कहा अरे मूर्ख, तूने ही पकड़ा है उस रस्सी को, तू ही छोड़, तूने पकड़ा है। तो यह बुद्धि हम में नहीं आती, गुरु यह बुद्धि दिखाता है कि अरे भाई तुमने रस्सी पकड़ी हुई, जो हम बोलते ना संसार में ये दुख है वो दुख है, इससे परेशानी है उससे परेशानी है, ये जो हम बोलते हैं तो परेशानी उसमें नहीं है, परेशानी हमने उसको पकड़ के रखा है संसार को, इसीलिए बोलते छोड़ो मने आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, अंदर से छोड़ना है तुरंत, एक क्षण में अंदर से छोड़ना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मेरे शरीर पे सांप गिर गया तो मैं क्या पहले देखूंगा वह जहरीला है ना बिना जहरीला है, उसको पकड़ के जैसे गिरा वैसे मैं फेंक दूंगा, मुझे पता है वो काटने वाला कोई भी रहो, मैं तहकीकात थोड़ी ना करूंगा, तुरंत उसको त्याग देना है उस सर्प को। वैसे ही इस संसार के जो भोग हम लेते हैं उसे भोगा तुरंत त्याग दिया तो ही हम जीवन में शांति पा सकेंगे, उसके पीछे उसमें ही लिप्त रहेंगे तो रस्सी पकड़ने वाले जैसी हमारी अवस्था होगी। और फिर हम बोलते कि इसलिए भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं हम सबके लिए प्रेरणादायी है, वो उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयत, आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मना, उद्धरे आत्मना आत्मानम। हे अर्जुन खुद का उद्धार खुद कर, है ना, हम देखते ना अर्जुन की क्या अवस्था हो गई थी। अर्जुन अकेले ने जब वह विराट राजा के यहाँ अज्ञातवास में थे, बृहन्नला के रूप में स्त्री अवतार में थे, स्त्री वेश में थे, नर्तिका के वेश में थे, तो अकेला अर्जुन सारे योद्धा दुर्योधन दुशासन विराट राजा के गाय चुरा के लेके गए थे, तो अर्जुन बोले मैं लेके आता हूँ वापस,
तो विराट राजा बोले अरे वहां बड़े बड़े योद्धा है, कर्ण है, दुशासन है, दुर्योधन है और हजारों में सैन्य है उनके पास, और तू अकेली जाएगी? अब उसके थोड़े पता अंदर कौन है, बाहर तो ठीक है नरसिंह दिख रहे लेकिन अंदर को उसके अंदर कौन है उसको ना पता। बोले हाँ मैं जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी सब गाय आपकी जो चुरा के लेके गए वो। अकेला अर्जुन, अकेला अर्जुन सबको परास्त करके सब गाय वापस लेके आता है अकेला अर्जुन। और यहां कुरुक्षेत्र में साक्षात कृष्ण उसके साथ है, कुरुक्षेत्र में साक्षात कृष्ण उसके साथ है। और क्या कह रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे डर लग रहा है, मेरे पानी में क्या पानी पानी सूख गया मेरे मुंह का, मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं ना। हम डरते तो ऐसा हमारा भी अवस्था ऐसी होता है, कुछ कुछ बच्चों को एग्जाम के समय बड़ा ऐसा होता है, थोड़ा बीपी उनका हाई हो जाता है, विचार सिर्फ विचार से है ना, कितना विचार हमारे शरीर के ऊपर काम करता है, सिर्फ विचार से कुछ कुछ बच्चों का एग्जाम के समय बीपी हाई हो जाता है। तो विचार से, बस विचार से ये ग्रस्त हो गया, मोह ग्रस्त। फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उद्धरेन आत्मनात्मानम, अर्जुन मैं तेरे काम आने वाला नहीं, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। देख एक समय तू जीता था अकेला, क्यों? तब तेरे आत्मा के ऊपर तुझे विश्वास था, आज तू तेरे आत्मा के ऊपर का विश्वास खो दिया है, इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। खुद का उद्धार हमें खुद करना चाहिए, उसके बाद जो बोलते हैं ना वो बड़ा सुंदर है, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत, मन को कभी दुखी मत होने दो। हाँ, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मा एव आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना, हम खुद ही, आत्मा मने खुद, हम खुद ही हमारे सबसे बढ़िया मित्र है, दोस्त है, और हम हमारे से गया गुजरा दुश्मन हमारा कोई नहीं है, है ना। कभी कभी हम हमारे बारे में इतनी दूर की सोचते हैं कि हम खुद खुशी कर लेते हैं, अरे शत्रु भी नहीं सोचता आपका मर्डर करने का, आप खुद 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 खुशी का विचार मन में लाते हैं। देखो इसलिए श्री कृष्ण कहते ना, आपके जैसा शत्रु कोई नहीं, अगर आपका मन ठीक से ट्रेन नहीं है, परिचालित नहीं है, आध्यात्मिक साधक अगर हम नहीं है, आध्यात्मिक बैकग्राउंड अगर हमारा नहीं है, तो आपके जैसा शत्रु बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है लगर। लेकिन वही अगर आप साधक है, आध्यात्मिक आपका बैकग्राउंड है, आप जो आपके जीवन का जो नींव है वही धर्म है, आध्यात्मिकता है, साधना है, तो आपका आप सबसे बड़े आपके बंधु है, बंधु है। तो इसलिए जो कहते हैं कि इसलिए उद्धरे आत्मना आत्मना, हमको हमारा उद्धार करना है, और कैसे कि विश्वास रखिए गुरु के मंत्र के ऊपर, विश्वास रखिए गुरु ने जो उपासना हमें दी है, कोई भी संप्रदाय की आपने दीक्षा ली हो नो प्रॉब्लम, लेकिन विश्वास से अगर आप करेंगे तो ही आपको लाभ है, नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि किसी आप पहाड़ी पे जाइए, अगर वहां मिट्टी नहीं है सिर्फ पत्थर है, उसके ऊपर आप बीज फेंक दीजिए, कुछ उगने वाला नहीं है, कुछ वहां से उपज कुछ नहीं होने वाली है, आपका आपकी मेहनत पूरी निरर्थक गई। वह एक कहानी है ना कि एक रात को 10 मित्र जाते हैं और वो नौका में बैठते हैं, रात हो चुकी है 10-11 बजे है, नौका में बैठे हैं, अब गांव दूसरे किनारे है, तो नौका निकाली, नौका को लगा रहे सब ताकत लगा के, देखा सुबह हो गई, 5-5:30 बज गए, उजाला दिख रहा है, और सबने देखा हम हमारे गांव तो पहुंच जाना चाहिए था, अब भी सवेरा हुआ है, इतना कैसे क्या लेट हो गया। देखा वो जहां रात को 10 बजे स्टार्ट किया था वही है। क्यों? क्योंकि वो नौका जिससे बांधी हुई थी ना वो उन्होंने खोली नहीं, वो खोलेंगे तभी तो नौका आगे जाएगी, जिसको हम एंकर बोलते हैं ना,
अगर वही नहीं निकाला, हिंदी में पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, तो वही नहीं निकाला, वो रस्सी से बांधी हुई है, वो रस्सी अगर नहीं छोड़ा हमने नौका का, तो स्वाभाविक रूप से वही हम रहते। तो इसलिए विश्वास से, बड़े श्रद्धा से हमें जप करना है। और जप करने के पहले यह विचार हमारे हर एक के मन में आना चाहिए मंत्र जप करने के समय, कि इसी से ही मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है, इसी मंत्र से मुझे ईश्वर साक्षात्कार होने वाला है, और इसी मंत्र से मुझे मेरे जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। यह विश्वास से करेंगे तो श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि रिजल्ट आना ही आना है, आपको परिणाम मिलना ही मिलना है, कोई उसमें दो मत नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के पास गए तो पहला प्रश्न क्या पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण तो कहते हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। जो दूसरी चीज कहते हो, बात कहते हो, बड़ी सुंदर कहते, और तू अभी अगर देखना चाहता है तो तुझे भी दिखा सकता हूं, लेकिन वन कंडीशन, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मैं जैसा कहूं ठीक ठीक वैसा ही पालन करना पड़ेगा। तुझे दिखाता हूं, बिल्कुल ईश्वर के दर्शन तुझे भी दे करवाता हूं, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसे के वैसे तुझे पालन अगर तू कर सकता है तो ईश्वर के दर्शन तुझे भी मैं करवा सकता हूं। यह ग्वाही श्री रामकृष्ण देव ने हमें दिए सबके लिए स्वामी जी के माध्यम से। तो अगर हम श्री रामकृष्ण देव के कहे हुए रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आएगा, हम आध्यात्मिक संपन्न बनेंगे। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में, माँ शारदा देवी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सबके लिए और सबके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए मंगल कामना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।